हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मटर गोभी की सब्जी बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मटर गोभी की सब्जी बनाने की रेसिपी को। गैस पर हमने कढ़ाई रखी और उसमें डाल लिया है ऑयल। मटर हमने छील कर वॉश करके रखे हैं और गोभी भी हमने काट के वॉश करके रखी है, पानी सारा निकल जाए। अब यहाँ पर ऑयल गरम होने लगा है तो इसमें हम जीरा डाल लेते हैं और दो कटी हुई हरी मिर्च डाल ली और यहाँ पर कुछ टुकड़े अदरक के डाल लिए हैं और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। ये हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम मटर डाल लेते हैं। मटर हमने डाले और इन्हें भी अच्छे से यहाँ पर रोस्ट करेंगे। मटर हमारे रोस्ट होने लगे हैं तो अब हम गोभी इसमें डाल लेते हैं। पत्ते गोभी की सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है और जब हम इसे वॉश करके लाते हैं तो इसका पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए, जिससे कि हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर भी हमने इसमें सारा पानी निकाल के सब्जी को रख लिया था और अब सब्जी इसमें डाल ली है। अब सब्जी को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेंगे और एक स्पून यहाँ पर हम सॉल्ट डाल लेते हैं और एक स्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और तीन स्पून धनिया पाउडर और एक स्पून लाल मिर्च पाउडर ला लेंगे और एक स्पून कश्मीरी मिर्च। कलर अच्छा आ जाएगा कश्मीरी मिर्च डालने से और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। गोभी की सब्जी हम पलट पलट कर ही कुक करेंगे और बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार होगी। अब हमने यहाँ पर सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मटर और पत्ता गोभी की सब्जी को हम ऐसे ही पलट पलट कर कुक करते हैं तो बढ़िया सी करारी सी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर इसे हम ढक लेंगे एक प्लेट से। एक प्लेट से ढक लिया है और बीच में हम इसको प्लेट हटाकर चेक कर लेंगे और पलट लेंगे। सब्जी को पलटना जरूरी है, तले से ना लगे और बढ़िया सी सब्जी बने। तो पलट के फिर से हमने कुक करने के लिए रख लिया है और फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी कुक होने वाली है। अब यहाँ पर हम सब्जी को ढककर नहीं रखेंगे, ऐसे ही पलट पलट कर कुक करते रहेंगे। अब सब्जी हमारी कुक हो गई है और बिल्कुल ड्राई हो गई है, जो ये तले से ना लगे, इसलिए हम इसे पलट पलट कर कुक करते रहेंगे। करारी सी सब्जी बनकर तैयार होगी। मटर पत्ता गोभी की सब्जी सभी को टेस्टी तो लगती है और इसे बढ़िया से बनाकर हम तैयार करें तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर बढ़िया से तैयार हो गई है। पत्ते गोभी को मैगी में, चाउमीन में और भी कई चीज़ों में, जैसे मोमोज बनाए जाते हैं, डाला जाता है और बहुत पसंद भी करते हैं। तो इसका टेस्ट को हम बढ़ाने के लिए इसमें मसाला डालेंगे, जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी होगी और बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैकेट मैगी मैजिक मसाला ले लिया है, उसे इसमें हम डाल लेंगे, जिससे हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैगी मैजिक मसाला हमने डाल लिया है और सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी यहाँ पर हमारी तैयार है और मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसे और कुक कर लेंगे। मसाला डालने के बाद भी हमने सब्जी को पलट पलट कर कुक कर लिया है और सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को कर लेंगे बंद और इसे सर्व कर लेंगे। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।